दोस्तों स्वागत है काल लक्ष्य बी की एक और नई वीडियो में। तो अपने सामने है टाटा की टियागो, लेकिन भाई ये कोई आम टाटा की टियागो नहीं है, क्योंकि पहले वाली टियागो और ये टियागो में बहुत फर्क है। क्योंकि अपने सामने है अभी टाटा टियागो ईबी। टाटा टियागो बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी सेलिंग प्रोडक्ट है, जो कि 4 स्टार रेटिंग गाड़ी है। अब अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको गाड़ी देखने को मिल जाती है। ईबी एक ऐसी गाड़ी है जो कि हैचबैक के मामले में भी, हैचबैक भी गाड़ी टाटा ने अपने ईवी के साथ लॉन्च किया, जिसमें हम देखेंगे गाड़ी में क्या क्या प्राइस रेंज रहने वाली है, क्या फीचर दिए हैं और कितनी रेंज रहने वाली है। गाइस, तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर फ्रंट से बात की जाए गाड़ी की, तो कुछ इस तरह से आपको फ्रंट का लुक देखने को मिल जाएगा, फ्रंट फेसिया जो है, क्योंकि जगह जगह से हमें जो याद दिलाया जा रहा है टीआर के साथ में, ईवी की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको एविजन कलर, ब्लू कलर के साथ आपको ग्रिल देखने को मिल जाएगी, जो कि अभी तक क्रोम के साथ आती है मेरे भाई। और नीचे से कुछ एयरडैम की जो ग्रिल है, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई गई है, बहुत ही अच्छा जो लुक है इसको दिया गया। इसके प्लेट को नॉर्मल रखा गया है। यहाँ पे जो हमारे सामने कलर है, टील ब्लू कलर देखने को आपको मिल पाएगा, जो कि सिर्फ ईवी के साथ ही रहता है। फ्रंट पे आपको लेजर ब्लेड क्रोम के साथ प्रोजेक्ट हेडलैम्प देखने को मिलेंगे, और वहीं पे 3D हेडलैम्प का भी ऑप्शन देखने को मिल पाएगा। और साथ में नीचे से आपको फॉग लैम्प के साथ कुछ DRL का भी ऑप्शन देखने को मिल पाएगा। तो मेरे भाई, ये तो रहा कुछ गाड़ी का फ्रंट लुक, जो कि कुछ इस तरह से था। और यहाँ पे जो सेफ है, गाड़ी का एरोडायनामिक सेफ है, काफी अच्छा खासा सेफ है। अगर प्राइस रेंज की बात की जाए, तो यहाँ पे हमारे सामने एग्जेड प्लस लॉन्ग मॉडल है, 7.2 किलोवाट का एसी के साथ फास्ट चार्जर वाला, जो कि आपको 11,29,000 रुपए के एक्सोरूम प्राइस पे देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको एक मॉडल और देखने को मिलेगा, एग्जेड प्लस लग्जरी, जो कि फुल टॉप रहने वाला है। यहाँ पे अगर रेंजिंग बात की जाए, किस रेंज पे गाड़ी चलती है, तो यहाँ पे आपको दो मॉडल मिलने वाले, जो कि 250 किलोमीटर और 315 किलोमीटर, जो कि MID के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे रखा गया है। तो जो अपने सामने वेरिएंट खड़ा है भाई, वो है 350 किलोमीटर चलने वाला MID के रूल्स के अकॉर्डिंग, जो MID दिखाएगा उसके हिसाब से। अब अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल से, तो कुछ इस तरह से आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगी। बाकी इसके जो इंजन की बात है, क्या पावर पिकअप है, उसके लिए बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। टायर साइज की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपको कुछ अलग ही स्टाइल के व्हील कैप देखने को मिलेंगे, जो कि पूरा अलॉय के जैसा फील देते हैं। हालांकि ये आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलेगी व्हील कैप, अलॉय देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 14 इंच का टायर साइज भी देखने को मिल जाएगा। और कुछ अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो टर्न इंडिकेटर है, आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ईबी की बैजिंग देखने को मिल पाएगी कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपको जो है डोर हैंडल वाडी कलर के साथ ब्लैक देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, विथ स्मार्ट कीलेस एंट्री के साथ। एंड कुछ अगर रियर प्रोफाइल को देखा जाए, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल पाएगी गाड़ी की रियर प्रोफाइल, जो कि साथ में यहाँ पे आपको सेम जो टियागो पेट्रोल में और CNG में आपको लाइट देखने को मिलती थी, वही लाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी। पीछे से रियर लुक सेम वही रखा गया, हाई माउंट स्टॉप टेल लैंप के साथ, कुछ रियर डिफॉगर वाइपर के साथ। पीछे से अगर लुक की बात की जाए, तो कुछ खास आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे मेरे भाई, लेकिन फिर भी काफी अच्छा खासा यहाँ पे आपको चेंजेस देख पा रहे हैं। टियागो की जो बैजिंग है ईबी के साथ, काफी चेंज देखने को मिलेगी। और यहीं पे आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा, वहीं से पीछे से कोई रियर पार्किंग सेंसर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कैमरा दिया गया है। बात करें सेफ्टी की, तो यहाँ पे ये भी 4 स्टार रेटिंग सेफ्टी गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, डुअल एयरबैग, ABS सेफ्टी ब्रेक और CSC कॉर्निंग स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ। जो कि कुछ अगर चार्जर पॉइंट्स की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको दोनों ही चार्जर पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, फास्ट चार्जर और नॉर्मल चार्जर। अब अगर बात की जाए गाड़ी के चार्जर टाइम की, कि कितने टाइम में गाड़ी चार्ज हो सकती है, तो यहाँ पे आपको दो टाइप के नॉर्मल चार्जर देखने को मिलेंगे, एक फास्ट चार्जर एक नॉर्मल चार्जर। अगर नॉर्मल चार्जर से आप चार्ज करेंगे, तो लगभग 8 घंटे यहाँ पे लेने वाली है टाटा की टियागो। वहीं पे अगर फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे, तो 58 मिनट में चार्ज हो सकती है ये वाली गाड़ी। वहीं पे डुअल कंट्रास्ट के साथ आपको गाड़ी देखने को मिलेगी, ये वाला पूरा पोर्शन आपको ब्लैक देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा खासा यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब गाइस, बाहर से तो सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन एक बार चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की ओर, कि इंटीरियर क्या कहने वाला है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको डोर देखने को मिलेंगे, सिल्वर क्रोम के साथ चारों पार विंडो। वहीं पे कुछ यूटिलिटी स्पेस। अगर डोर की बात की जाए, तो डोर आपको चेंजेस कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सेम वही पेट्रोल में जो डोर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस आपको इंटीरियर के साथ मेरे भाई जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही लाजवाब तरीके से टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को डिजाइन किया है। क्योंकि
जो टाटा की हैचबैक गाड़ी में अगर बात करें तो सबसे पहली गाड़ी टाटा के पास पूरे ही सेगमेंट में रहने वाली है, पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे पहली गाड़ी जो टियागो है अपने प्रीमियम हैचबैक के साथ सिर्फ टाटा में ही देखने को मिलेगी। उसके साथ आप कुछ देख सकते हैं, इस तरह से आपको जो सीट है, सीट में जो अपोस्टी यूज की गई है यहाँ पे आपको क्रेमिस टाइप देखने को मिलेगी, जो कि ड्राइवर सीट एडजस्टेबल के साथ रखी गई है। लेकिन जो सीट है, सीट का कंफर्ट है लेदर सीट के साथ, काफी बेहतरीन आने वाला है भाई अगर बैठ के देखा जाए तो। एंड कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड का ओवरव्यू, क्योंकि बहुत ही प्यारा अंदर बैठ के फील आ रहा है मेरे भाई। एक हैचबैक गाड़ी में बैठ के पूरा प्रीमियम वाला फील आने वाला है इस गाड़ी के साथ। वहीं पर अगर इग्निशन ऑन किया जाए तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं गाड़ी का इग्निशन काफी बेहतरीन तरीके से, काफी अच्छी स्टार्टिंग है मेरे भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको न्यूट्रल के लिए देखने को मिल जाएगा, कितने किलोमीटर यहाँ पे ट्रिप चली है वो देखने को मिलेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी अभी चल सकती है, यहाँ पे कितनी चार्ज है गाड़ी वो देखने को मिलेगी, और उस चार्ज रेंज में आपको कितने किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं 116 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। बाकी पावर टॉर्क और यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे इंडिकेट। यहाँ पे आपको चार्जिंग रीजनरेट का भी ऑप्शन देखने को मिल पाएगा मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं कमाल कर दिया टाटा ने अब स्टार्टर टियागो ईबी के साथ। वहीं पे आपको स्टीयरिंग पे ऑटोमेटिक कंट्रोल और कुछ क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छी चेंजेस देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई हैचबैक गाड़ी में यार फिलहाल आपको इतना अच्छा फीचर देखने को मिल रहा है, मतलब मजा ही आ गया। उसके साथ स्टीयरिंग आप देख सकते हैं, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको देखने को मिलेगा जो कि फुल्ली लेदराइज रहने वाला, और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी। जो स्टीयरिंग है ना, काफी अच्छा खासा देखने को मिला। लेकिन टाटा ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा कमाल कर दिया यार कि अपनी हैचबैक टियागो में भी ना आपको क्रूज कंट्रोल डाल दिया, मतलब मजा ही आ गया। यहां से आप देख सकते हैं ना कुछ ये जो कंट्रास्ट है ना, काफी अच्छा खासा देखने को मिल पा रहा है, जो कि ये कंट्रास्ट आपको काफी अच्छा खासा नाइट की विजिबिलिटी है ना उसमें काफी अलग ही फोकस बनाता है। वहीं पे आपको जो म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पे आपको पावर्ड बाय हार्मन रहने वाला है, जो कि अभी तक आती थी। अगर बात करें डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड में कुछ इतना बड़ा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वही चेंजेस आपको देखने को मिलेगा जो कि देख पा रहे हैं, या फिर इस तरह से आप जो देख पा रहे हैं चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ग्लोव बॉक्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। वही वो कैटलॉग डुअल कैबिन के साथ, जैसे कि डैशबोर्ड आप पहले से सुनते आ रहे हैं कि टाटा के साथ ना काफी बड़े ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाते हैं, वहीं पे आपको कुछ कंट्रोल्स इस तरह से देखने को मिलेंगे जो कि यहां से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहां से आपको गाड़ी पूरी लॉक करने के लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहीं पे रीजनरेट के लिए ऑप्शन देखने को मिल पाएगा, यहां से आप बैटरी को भी रीजनरेट कर सकते हैं मेरे भाई, और कुछ बूट को यहां से आप ओपन कर सकते हैं। यहां से आप देख सकते हैं कुछ कंट्रोल जो कि पूरी टियागो पेट्रोल के जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे, आउटर क्लाइमेट कंट्रोल एसी, और ये तो सारे फंक्शन आप जानते ही होंगे। वहीं से आपको ऑटोमेटिक गाड़ी मिलने वाली है, कोई भी यहाँ पे आपको गियर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी है सारी ऑटोमेटिक के साथ आने वाली है। यहाँ पे आपको न्यूट्रल, ड्राई, रिवर्स और स्नो, ये सारे मोड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे यूएसबी ऑक्स और 12 वोल्ट का चार्जर भी मेरे भाई देखने को मिल पाएगा। तो अभी लेके चलते हैं रियर कैबिन की ओर, कि रियर कैबिन क्या कहने वाली है और क्या चेंजेस आपको रियर कैबिन में देखने को मिल पाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा रियर का कैबिन, जो कि कुछ इस तरह से है। रियर कैबिन की बात करें तो स्पेसियस काफी है गाड़ी, काफी स्पेस देखने को मिलेगा। वहीं से आपको दो चार्जर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक चार्जर यहां से आप देख सकते हैं जो कि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये रहा नॉर्मल चार्जर। यहाँ पे फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा जो कि अभी पैक्ड है। फास्ट चार्जर आपको कुछ अपने ऐसे प्लेस पे जहाँ पे आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा, जहाँ पे आप इजीली गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। तो कुछ अगर बात की जाए गाड़ी के बूट स्पेस की, तो इस तरह से आपको गाड़ी का बूट स्पेस देखने को मिलेगा, फिलहाल पार्सल ट्रे के साथ आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको देखने पे लग रहा होगा कि यार बैटरी क्या है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह से आपको 242 लीटर का पूरा ही बूट स्पेस देखने को मिल पाएगा इस ईबी के साथ भी। फिलहाल अगर बैटरी की बात की जाए तो बैटरी तो इसको यहां से कर देते हैं बंद। अगर फिलहाल बैटरी की बात की जाए तो बैटरी आपको इसके बेसमेंट के नीचे प्लेस की गई है, जो कि पूरी लिथियम की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। पूरे नीचे जो आप देख सकते हैं वहां से बैटरी देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी बॉनेट को भी ऑन कर लेते हैं और बॉनेट भी देखते हैं कि क्या कहने वाला है, बॉनेट कितनी मोटर आपको देखने को मिलेंगी। और जो मोटर है 7.2 किलोवाट और 3.3 किलोवाट की, दो मोटर यहां पे यूज की गई है। तो भाई कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं गाड़ी का इंजन का रिप्लेसमेंट, क्योंकि यहां पे इंजन नहीं है, दो बैटरी मिल जाएंगी और यहां पे मोटर देखने को मिलेगी जो कि कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो टाइप के आपको कूलेंट देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे दोनों कूलेंट अलग अलग वर्किंग करते हैं। एक कूलेंट चार्जर पे वर्किंग करेगा, जो कि चार्ज करोगे वहां पे मूव डाउन करेगा,
और दूसरे जो कूलेंट है वो आप गाड़ी जब रनिंग करोगे वहां पे करोगे। फिलहाल अगर बात करें गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको दो टाइप की जो मोटर मिलेंगी, जो है 45 पीएस की पावर जनरेट करेगी, भी पावर जनरेट करेगी, ये दोनों ही गाड़ियां जो कि टॉर्क और पावर के साथ, लेकिन पावर फिलहाल 45 से 55 के साथ और 110 एनएम का टॉर्क, जो कि अच्छा खासा टॉर्क आपको देखने को मिल पाएगा। फिलहाल यहाँ पे आपको दो मल्टी ड्राइव मोड देखने को मिलेंगे, इको और सिटी मोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अगर बात की जाए टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम की, कि जो लिक्विड कूल्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा i6 7 के साथ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अगर चार्जिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो हमने बात करी ली, और पावर आपने देखी लिया है, तो काफी अच्छी खासी पावर यहाँ पे आपको देखने को मिल पाएगी स्टार्टर टियागो ईवी के साथ। अब अगर बात की जाए गाड़ी के बैटरी की वारंटी की, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा कंसर्न हमारे बीच रहने वाला है, कुछ ऐसी चीज हमारे बीच रहने वाली कि यार अगर इसकी बैटरी खराब होगी तो क्या होगा, तो भाई 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी टाटा मोटर्स प्रोवाइड कराती है यहाँ पे बैटरी की। वहीं पे 3 साल की आपको मोटर की और गाड़ी की वारंटी देखने को मिलेगी 1,25,000 किलोमीटर, तो भाई अच्छा खासा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। और मेरे भाई इतना चार्ज करने में तो ये फ्री में चलने वाली है गाड़ी, क्योंकि पेट्रोल से कहीं ज्यादा माइलेज अच्छा देने वाली है ये गाड़ी, जैसे कि हमने बात किया। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।